हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फ्री सर्विस हिंदू यूट्यूब चैनल। बात करेंगे दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। तो जैसे दोस्तों, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो अगर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन इन DMRC ने इन्वाइटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ रेगुलर एंड स्पेशल ड्राइवर वैकेंसीज इन वेरियस पोस्ट इन सेक्शन ABC and D। दोज कैंडिडेट आर इंटरेस्टेड टू द फॉलोइंग वैकेंसी एंड कंप्लीटेड ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन रीड द फुल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई ऑनलाइन। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो आइए देखते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इस वीडियो में देखते हैं इसी के बारे में। और बात करें इंपॉर्टेंट डेट की, एप्लीकेशन बिगिन हो गया है 27 जनवरी 2018 से हो गया था, लेकिन फिर से मॉडिफिकेशन किया है जो कि इसके लास्ट डेट उसको बढ़ाया गया है जो कि 12 मार्च 2018 है। जो लास्ट डेट एग्जाम फी पे करने का वो भी 12 मार्च है। एग्जाम डेट जो नोटिफाई कर दिया जाएगा, एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा, वो भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट में। एप्लीकेशन फी की बात करें, जनरल ओबीसी वालों के लिए 500 पे करना है, ST SC PH NVP के लिए 250 है, ऑल कैटेगरी जो फीमेल हैं सभी कैटेगरी के उनके लिए 250 है। एग्जामिनेशन फी जो आप पे कर सकते हो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर ई चालान के थ्रू कर सकते हो। बाकी बात करें टोटल पोस्ट की, तो टोटल 1985 पोस्ट है, 1985 पोस्ट टोटल। रेगुलर पोस्ट एज लिमिट जो है वो रेगुलर पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है 18 से 28 साल होना चाहिए। जो आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा 1/1/2018 के अनुसार काउंट होगा। स्पेशल पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 33 साल होगा, जो एज लिमिट होगा 1/1/2018 के अनुसार ही होगा। और बात करें पोस्ट नेम की, तो जैसे सेक्शन जैसे मैंने बताया ABC D चार सेक्शन के लिए है। जो सेक्शन ए के लिए जो पोस्ट नेम वो असिस्टेंट मैनेजर के लिए है इलेक्ट्रिकल, जो कि SC वालों के लिए 3, ST के लिए 2, OBC के लिए 6, जनरल वालों के लिए 10, टोटल 21 पोस्ट। और इसके लिए जो जो रिवाइज जो एलिजिबिलिटी है जो फिर से अपडेट किया गया है, उसे BE BTEC होना चाहिए इन रिलेटेड पोस्ट विथ 60% मार्क्स। फॉर मोर डिटेल मस्ट रीड द फुल नोटिफिकेशन। ऐसा जो जानकारी आप नीचे डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन वहाँ डाउनलोड करके आप पूरी जानकारी वर्क देख सकते हो। और जो सेक्शन ए में ही जो दूसरा पोस्ट नेम है वो असिस्टेंट मैनेजर है ST का है, उसमें भी SC वालों के लिए 2 है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 3 है, जनरल वालों के लिए 6, टोटल 12 पोस्ट है। इसी तरह असिस्टेंट मैनेजर का टोटल 8 पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर स्टोर्स के लिए टोटल 2 पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर इन्वायरमेंट के लिए टोटल 1 पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर फायर के लिए टोटल 2 पोस्ट हैं, असिस्टेंट मैनेजर IT के लिए टोटल 3 पोस्ट, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के लिए 2 पोस्ट, और AM कॉरपोरेट कॉरपोरेशन के लिए भी 2 पोस्ट हैं। इस तरह से आप पूरी जानकारी दे सकते हो। सेक्शन बी वालों के लिए भी टोटल यहाँ पे जैसे जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 192 है, और जो जूनियर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 135 है। इसी तरह आप बगल में आपको एलिजिबिलिटी दिख रहा होगा कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। इसी तरह सेक्शन सी के लिए भी है, सिमिलरली आप देख सकते हो, पूरा आपको दिख रहा होगा, वीडियो को पॉज करके आप पूरा नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हो। इसी तरह सेक्शन सी के लिए भी यहाँ पे सिमिलरली आप देख सकते हो, और सेक्शन डी के लिए। और बात करें सेक्शन ABCD क्या है, तो उसके लिए यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा, जैसे सेक्शन ए के लिए जो रेगुलर के लिए एक्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट के लिए है, सेक्शन बी जो है रेगुलर नॉन एक्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट है, जो सेक्शन सी है वो एक्जीक्यूटिव पोस्ट है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, और जो सेक्शन डी है वो नॉन एक्जीक्यूटिव पोस्ट है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, और जो सी है वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है 4 साल के लिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और भी जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एडवर्टाइजमेंट को, वहाँ से एक बार देख के पूरा पढ़ लें, उसके बाद अप्लाई कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी अप्लाई कर सके। धन्यवाद। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो नौकरी से जुड़ी और भी जानकारी के लिए। धन्यवाद।